प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला ऐतिहासिक विजय। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास के विजन और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी की रणनीतिक जो कुशलता है उसका अनुसरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन ने केंद्र और प्रदेश सरकार के नीतियों को कार्यक्रमों को आम जन तक पहुंचाने का जो कार्य किया है उसका परिणाम इस ऐतिहासिक विजय के रूप में नगर निकाय चुनाव के सामने आया है। आज नगर निकाय के जो परिणाम सामने आए हैं मुझे लगता है कि ये चुनाव के परिणाम हम सब की जिम्मेदारियों को बढ़ाने, हम सबको अधिकाधिक जवाबदेह बनाने और नगर निकाय इकाइयों को सक्षम बनाने के लिए हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इस बात के लिए भी हमें और सबकी आंखें खोलती हैं कि जो लोग कहते थे कि चुनाव के परिणामों के बारे में, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव सबकी आंखों को खोलने वाला है। खासतौर पर जो लोग गुजरात के संदर्भ में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, नगर निकाय में उनका खाता नहीं खुल पाया और अमेठी में भी उनका बिल्कुल सफाया हो गया है, तो सुपड़ा साफ हो गया है, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने जो एक बार पुनः यह ऐतिहासिक विजय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए किए जा रहे सुधारात्मक कदम हैं, आर्थिक क्षेत्र में जो कार्यक्रम भारत सरकार की ओर से उठाए गए हैं, भारत के ढांचागत विकास के लिए उठाए गए हैं और जन सुविधाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए इस देश के अंदर पिछले 3.5 वर्षों के दौरान प्रारंभ किए गए लगभग 125 से अधिक लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों का परिणाम और उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 8 महीने के दौरान हमारी सरकार ने लोक कल्याणकारी जो निर्णय लिए हैं उसकी परिणति, संगठन ने उन कार्यक्रमों को निचले स्तर तक पहुंचाने में जो योगदान किया है, इसलिए सामूहिक सफलता का परिणाम नगर निकाय चुनाव के ये परिणाम है। मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं जो श्रेय के हकदार हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रेरणा सदैव समाज और लोक कल्याण के इस अभियान के लिए हम लोगों को प्रेरित करती रहेगी। इस विश्वास के साथ अपने प्रदेश संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री माननीय श्री सुनील वंशल जी और प्रदेश संगठन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को और अपने सभी वरिष्ठ सहयोगी मंत्रिमंडल के सहयोगीगण श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, नगर विकास और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी और अपने सभी मंत्रिमंडल के सहयोगी प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी हैं, श्री आशुतोष टंडन जी हैं और भी उन सभी को जिन्होंने सक्रिय रूप से इस पूरे अभियान के साथ भाग लेकर के भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक विजय में अपना योगदान दिया है, उन सबको मैं इस अवसर पर हृदय से साधुवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जन आकांक्षाओं पर इसी प्रकार से हम लोग आगे भी खरा उतरेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 100% परिणाम पाने के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे अग्रसर होगी। आप सबको एक सकारात्मक सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद और इस ऐतिहासिक विजय पर
मैं अपनी ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।